छोटा है, हमारे तो टाबर समान है, बच्चा समान है। और विधानसभा चुनाव लड़िया, लोकसभा चुनाव लड़िया, और पूरा देश और दुनिया रे मायने आज रविंद्र पाटिल ठरको हाल है। तो मैं ही होचा मैं क्यों, मैं 25-30 साल हो गया राजनीति करता ने, और ठरको एकदम आयो जोरदार आयो भाई। मैं तो शुभकामनाएं दू, दुआएं दू, यहां ध्यान नहीं वेला। मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता जरी फॉलो कर दो, और अबार जब वो अरविंद ने लड़ाया किन्ने लड़ाया था, तो उन टाइम भी ए जिन तरीकों मेहनत कर दिया। मैं उन दिन जोधपुर रहता, मैं देख तो जान पुलिस भिड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो मैंने जेड़ा लोगों ने जिन्हें आज 30-60 साल ने नेड़ा पूगा, हा मैंने भी प्रेरणा मिली कि यार संघर्ष करनो चाहिए। हकीकत कह रही हूं, गलत नहीं है, हकीकत कह रहा हूं। सीखना है, किसी भी उम्र में सीख सकते हो और किसी से भी सीख सकते हो, ये मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं। मैं 15 साल संघर्ष की तो एमएलए रियो 98 बन गयो, थोड़े उम्र में बन गयो तो, और 8 में हट गयो, झटका खाता है, 15 साल ठोकरा खादी है, क्योंकि आज सफलता तो यूं भी चढ़े यूं भी आवे। तो उन 15 साल रे महीने कड़वा घूट भी पढ़ना पड़े, मेहनत भी करनी पड़े, तो कई लोगों को सीखने में अपार टेंशन में भी आई जाता कि कहीं वेला रिजल्ट कहीं रहला। तो आपरी बात नहीं, आपरे जड़ा मैं महेंद्र सिंह धोनी रो एक दिन इंटरव्यू देखता हूँ, तो उन्हें एक अच्छी चीज गई कि आप जीतने के लिए क्या करते हो, तो ये सीधा सा जवाब था उस आदमी का कि मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करता, मैं अपने प्रोसेस पे ध्यान देता हूं, मुझे करना क्या है इस पे मैं ध्यान देता हूं। उस दिन मेरे दिमाग में बैठ गया रिजल्ट वही जो वेला, अपने तो मेहनत करो। और आज कह सकूं कि उन्हें एक शब्द है मारी टेंशन खत्म कर दी, मैं नई तरीकों लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए बच्चों से युवाओं से मैं इस मौके पे वही कहनी चाहूंगा कि हीको किसी से भी सीख सकते हो, एक छोटा बच्चा भी आपको कभी सीखा के जा सकता है। संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, उतार आएंगे चढ़ाव आएंगे। और रविंद्र जी ने तो मैं वही कहनी चाहूं कि अच्छी गति हूं हाल रही हो, और मारे तो अब ये लोकसभा चुनाव रे मैं एमएलए चुनाव रे मैं वो कई मुंबई रा हेट आवता जे अटे आन कहता के मनी मदद करन जाता के हम रवसान मदद करवा जाओ, मैं के उठे कहीं है तो के मारे कांटेक्ट में, मैं के वाह भाई वो कांटेक्ट तगड़ो थोड़ो। अब की लोकसभा रे चुनाव रे मैं ठेठ इंग्लैंड में बैठा हमारे जवाई सर दोस्त कुलदीप सिंह जी इन्वेस्ट सिफारिशा करता पत्रकार है बड़ा के वही रविंद्र का ध्यान रखना, तो आपने अच्छा नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, और हम तो यही दुआएं देंगे आपको कि आप मेहनत करो, सबको लेके चलो, भगवान आपको शक्ति देगी और आप दोबारा काम करो।